Okay, so our next and the last topic for the first unit is graphical representation. अब क्या है, जितना भी हमने स्टडी करा है अब उसको हम कभी कभार डेटा न्यूमेरिकल भी सेव करते हैं, जैसे मीडियन मोड हम निकाल रहे हैं, और कभी कभार जब स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो स्टैट्स में यूजुअली हम टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन तो करते ही करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी यूज़ करते हैं ऑफ द डेटा, ठीक है। और ये बहुत ईजीएस्ट मैथड होता है अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने का, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मैथड होता है जब हम अपने डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और बनाने में भी अच्छा लगता है। मे बी आप लोगों ने स्कूल लेवल पे ग्राफ्स शीट जो हमारी ग्रीन कलर की होती थी तो उसमें ड्रॉ करी थी। यहाँ पे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ग्राफ शीट पे बनाओ, आप नॉर्मली बना सकते हो, बट जस्ट ये ध्यान रखना कि जो भी आप स्केल यूज़ करते हो तो स्केल का जो डिफरेंस होगा वो आप इक्वल लें, इक्वल है। जैसे स्केल में हमारा 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, तो जब आप एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बनाओगे तो सबका 1-1 सेंटीमीटर का ही गैप एक जैसा लें, या अगर 2 सेंटीमीटर का गैप ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर इक्वल लेना है हमें, ठीक है। अच्छा, बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या होती है यहाँ पे ग्राफिक, जब हम ग्राफ्स बना रहे हैं, इधर आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हो या नहीं भी ग्राफ पेपर पे बना रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ें आपको फॉलो करनी है। कैसे फॉलो कर, क्या क्या फॉलो करना है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का जहाँ पे मीट करते हैं, मतलब जहाँ कट कर रहे हैं, क्रॉस बन रहा है एक्स और वाई एक्सिस का, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, जो कि होता है 0, 0, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस होती है, और ये जब ये कट करती है ना, तो ये पूरे ग्राफ को या पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये है पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं। अब आप देखो, हम हमेशा ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे, तो इसका जो एक्स है वो पॉजिटिव है और इधर का जो वाई है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये प्लस प्लस होता है। जब इधर सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो इसका एक्स देखो माइनस है और इधर वाई जो है वो प्लस है, तो ये होता है माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट आप देखिए, अब इसका एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दैट विल बी माइनस माइनस। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसका एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, दैट विल बी प्लस माइनस। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं यूजुअली जो ग्राफ्स बनाते हैं हम, चाहे वो बार चार्ट हो, हिस्टोग्राम हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, वो सब जो होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनते हैं। दैट इज ये वाला जो पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई, इतना पोर्शन हम लेते हैं खाली। मैं अगर इन ड्रॉ करके बताती हूँ, सिर्फ इतना पोर्शन लिया जाता है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है कि कैसे क्या चीज़ होती है वो बताती मैंने आपको, ठीक है। और ये जो होती है ये एक्स एक्स एक्सिस होते हैं, ये वाई वाई एक्सिस होती है, मतलब जो भी ग्राफ बनता है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे बनता है। नाउ सर्टेन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूल्स हैं, हर ग्राफ का टाइटल होना चाहिए डेफिनेटली। आप कोई ग्राफ बना रहे हो तो नीचे तो आप लिखोगे ही ना, ग्राफ रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ फॉर द ईयर 2011, या ग्राफ रिप्रेजेंटिंग कार सेल्स, बाइक सेल्स, कुछ भी हो वो आपको नीचे या ऊपर हेडिंग के तौर पे, टाइटल के तौर पे आपको मेंशन कर देना चाहिए कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट जो रूल आपको पता होना चाहिए, दैट इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, कि जो ग्राफ बनता है वो किस पे बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो मैंने अभी आपको बता दिया, और जो वो दोनों जहाँ मीट करते हैं और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उनका उस फर्स्ट क्वाड्रेंट का, वो होता है 0, दैट इज द ओरिजिन, जिसको हम बोलते हैं 0, 0, ठीक है। चॉइस ऑफ द स्केल, स्केल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ्स अगर हम बनाएं तो ग्राफ पता है ऐसे भी बनते हैं, ऐसे करके भी बनते हैं, जब हम एक्स इधर लेंगे और वाई इधर लेंगे, और अगर मैं एक्स इधर लूँ वाई इधर लूँ तो ग्राफ ऐसे, सॉरी ग्राफ ऐसे करके भी बनते हैं। तो स्केल आप किधर की तरफ ले रहे हो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली ये मेजॉरिटी, ये ज़्यादातर जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे वाले बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द फॉल्स बेस लाइन। अब कभी कभार कुछ ऐसा डेटा होता है जहाँ हमें फॉल्स बेस लाइन यूज़ करनी पड़ जाती है, बट रेयर होता है। और फॉल्स बेस लाइन कैसे बनती है, जैसे ये मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, तो अब हम यहाँ पे ये टोटली ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे फॉल्स बेस लाइन के लिए। जो आपकी वाई एक्सिस है तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे किंक करके ये बनाते हैं ऐसे करके, तो ये होता है फॉल्स बेस लाइन, ठीक है।
तो ये कभी कभार तब यूज़ होता है जब मान लीजिए डेटा डायरेक्टली 0 to 100 हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 to 1000 स्टार्ट कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे बनाते हैं। देखिए इसमें आपका लिखा भी होगा कि हम कब यूज़ करेंगे, व्हेन फ्लक्चुएशंस इन अ वेरिएबल आर स्मॉल रिलेटिव टू इट्स साइज एंड इज डिजायर्ड टू व्यू these fluctuations properly, the vertical scale may be stretched, ठीक है, and this can be done if instead of showing the entire scale from 0 to highest value, ये इसलिए करते हैं कि हम 0 to 100 अब दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए हम directly अगर 1000 से show करना है, तो हम इसको ऐसे show करके यहाँ पर directly 0 to 100 mention कर देंगे और 100 से आगे आगे लिखते रहेंगे, तो that is highest value represent करने के लिए necessary for this purpose. ये बस आप याद रखो। ओके, फॉल्स बेस लाइन के बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रेशियो एंड लॉगरिथम। रेशियो एंड लॉगरिथम हमें यूज करना वो डिपेंड करेगा कि आप जब बनाएंगे आगे तो उसमें कभी कभार रेशियो यूज करना पड़ता है कि कितना, मतलब जिसको हम बोलते हैं डिवाइडेड या सब डिवाइडेड डायग्राम्स, उसमें लाइन डिज़ाइन। अब कभी कभार कुछ ऐसे ग्राफ्स भी होते हैं जिसमें हम बार नहीं बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं, मतलब सिंगल वर्टिकल लाइन होगी वो। कैप्शन देना होता है, कैप्शन मतलब जब हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं ना, तो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो हमें नीचे लिखना होता है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें वो लिखना होता है, दोनों को साइड में, दैट इज द कैप्शन ऑफ बोथ द एक्सिस। इंडेक्स बनाते हैं हम, इंडेक्स शुड बी गिवन टू शो द स्केल एंड द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस कर्व। मतलब इंडेक्स का ये होता है कि जैसे कभी कभार हम ये रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कौन सा बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड प्लस जो गैपिंग है वो 1 सेंटीमीटर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कई बार होता है 1 सेंटीमीटर मतलब एक ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें लिखना होता है। वो आप कहाँ लिखते हो, छोटा सा टॉप के ऊपर हम लिख देते हैं कि क्या चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सोर्स ऑप्शनल है कि कहाँ से डेटा हमने लिया है वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। अब ये देखो, ये है नीचे जो है बना है 1965 1966, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ क्या है, दैट इज पार्टली एस्टिमेटेड, ये ईयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रुपीस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ भी हो सकता है कि कंपनी की कितनी सेल्स बढ़ी घटी, ये जो ग्राफ जा रहा है ये फ्रिक्वेंसी का पॉलीगॉन बना हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि क्या 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 कौन कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। पर इसके अच्छा पहले एडवांटेजेस देख ले रहे हैं, एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज है दैट इज जो ग्राफ्स होते हैं दे आर अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव। ये तो मैंने बता दिया कि डेटा अगर हम सिंपली लिख देते हैं स्टेटमेंट में या टेबल में, उससे ज़्यादा जो अच्छा लगता है बनाने में और देखने में और इम्प्रेसिव जो लगता है वो ग्राफ्स होते हैं। अब ग्राफ्स बहुत तरीके के होते हैं, इवन हम कलर डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स कर सकते हो, और इवन यू कैन यूज MS Excel टू ड्रॉ द ग्राफ्स। कभी अगर आपने बनाए हो एक्सेल पे तो आप देखिएगा कितने क्रिएटिव लगते हैं डिजाइन उनके, और यू कैन यूज देम इन योर प्रोजेक्ट्स। उनके बस क्या करना होता है, आपको नंबर फीड करना होता है, अब जिस तरह का आप ग्राफ चाहते हो वैसा बन के वो आ जाता है, उसको बस आप वर्ड में सेव कर दीजिए और उसका कटिंग्स निकाल लिए, दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव। जो हम हाथ से नहीं बना पाते हैं सिलेंड्रिकल एंड कोन शेप, वो उससे बन जाएंगे। नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड। ग्राफ्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई हाईफाई नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए इक्वल गैप्स रखने हैं, कौन सा चार्ट है। अगर बार चार्ट बना रहे हो तो इक्वल गैप रहेगा, हिस्टोग्राम है तो कोई गैप नहीं रहेगा, पॉलीगॉन है, पॉलीकर्व है, फ्रिक्वेंसी कर्व है, बस इतनी सी बेसिक नॉलेज चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। थर्ड है दैट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। डेफिनेटली सबसे इजी और सिंपल मेथड जो है जो हर कोई बना सकता है, तो दैट इज आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। कई बार कंपनीज जो होती हैं सेल्स का जो ट्रेंड होता है कि बड़ा घटा कैसा हुआ, तो उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करते हैं। वो कई बार आपने उसमें भी देखा होगा न्यूज़ में, जिसमें अगर वो इलेक्शंस या वोट्स का ट्रेंड दिखाने होते हैं या शेयर मार्केट का ट्रेंड दिखा रहे होते हैं, तो आप देखा होगा ग्राफ्स बने होते हैं वो, तो वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कंपैरिजन करने के लिए। फिफ्थ है दैट इज द स्टैटिस्टिकल मेजर कैन बी असर्टेन विद अ केयर। अगर आप इसे अच्छे से बना लेते हो
तो उसमें बहुत सारे डिफरेंट जो प्रोग्राम या जो ऑप्शंस हैं हमारे स्टार्ट में, दैट इज़ लाइक मीडियन है, मोड निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, तो वो ग्राफ्स के थ्रू भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेजर जो हैं वो भी कैलकुलेट हो सकते हैं. अब अगेन एवरीथिंग हैज़ अ प्रोज एंड कॉन्स, तो उसके कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं या डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेज ये हैं कि ज़रा सी भी अगर आप मिस्टेक कर दोगे गैपिंग में या कोई भी एक्यूरेसी में डिफरेंस गलती कर दोगे तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा. क्लियर होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा. थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और प्लस जब ग्राफ बना रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपने वो रिप्रेजेंट नहीं करी तो फिर कैप्शन नहीं लिखा, टाइटल नहीं लिखा, तो वो इनकम्प्लीट ग्राफ हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ग्राफ में बहुत माइन्यूट चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं ध्यान देने की, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि अगर आप उसे याद ना रखो पाओ. तो इसलिए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये आपके सिंगल पॉइंट से आप देख लीजिएगा. अब अगर मेन जो है हमारा हम उस पर आते हैं, दैट इज़ ग्राफ्स हमारे कौन कौन से होते हैं या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से ग्राफ बनते हैं. एक बार चार्ट इन्होंने यहाँ पे नहीं समझाया जो सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा. बार चार्ट और हिस्टोग्राम में डिफरेंस ये है कि हिस्टोग्राम के बारों में कोई बीच में गैप नहीं होता है और बार चार्ट सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं उनके बीच में गैप्स होता है. उसका मैं फ़ोटो या तो आप लोगों के ग्रुप पे सेंड कर दूंगी कि बार चार्ट्स कैसे होते हैं, क्या बनता है, ये इधर मैं उसकी वीडियो एक अलग से अपलोड कर दूंगी या लिंक शेयर कर दूंगी कि बार चार्ट कैसे बनते हैं. ठीक है, अब ये हिस्टोग्राम आता है. हिस्टोग्राम क्या है, अगेन इट इज़ अ बार चार्ट. ठीक है, फॉर्म वही है बार चार्ट का, एक्स और वाई एक्सिस पे बनता है, रेक्टेंगुलर शेप में बनते हैं, बट देर इज़ नो डिफरेंस इन बिटवीन द बार्स. जो भी बार्स बनते हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है. दैट और ये मेजरली जो होता है हिस्टोग्राम वो हम क्लास इंटरवल वाली जो सीरीज होती है उसमें ही यूज करते हैं, क्योंकि देखो ये ना कंटिन्यूस है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, इसीलिए इनके बीच में कोई गैप नहीं रहता. और जब हम सिंगल डेटा लें, मान लो यहाँ पे सिर्फ होता है कि 10, 20, 30, 40, तब हम बार चार्ट बनाते हैं. अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि एक्स एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर है इक्वल्स टू 50, जो गैप हमने लिया है वो 50 rupees इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाई एक्सिस है वो 10 units ऑफ फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. तो मतलब ये इतना जो गैप हम सेम ले रहे हैं वो क्या है, 50 rupees. तो इसका ये अगेन 50 to 100, 50-50 का गैप है सब में. ठीक है, और क्या है वो इनकम है, यहाँ फ्रिक्वेंसी लिख रहे हैं. तो अब ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 0 से 50 तक की है, तो ऐसे कितने लोग हैं, 10. तो हमने क्या करा, 10 तक पॉइंट लगाते हैं और स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं. ये ग्राफ बना, अगर आप लोगों को ग्राफ नहीं बनाने आते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा, इसकी अलग से एक वीडियो मैं बना के जो है आप लोगों को अपलोड कर दूंगी कि हिस्टोग्राम बनेगा कैसे. सिंपल है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करिए, एक हमने स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन इसी से ज्वाइन करेंगे. ठीक, ये पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट, दैट विल बी 0, 0. ठीक है, 0 यहाँ लिखा है. क्लास इंटरवल वाला ग्रुप कैटेगरी है और प्लस हिस्टोग्राम बनाना है तो ये डायरेक्टली 0 से स्टार्ट होगा. तो हमने 0 to 50, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के गैप में हमने क्या करा, 0 to 50, फिर अगेन 2 सेंटीमीटर में 50 to 100, 100 to 50. अब देखो ये कंटिन्यूस चल रहा है, कोई गैप नहीं है, इसीलिए इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं. अब ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 0 to 50 इनकम है, ऐसे 10 लोग हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट, अब गैपिंग भी यहाँ पे भी सेम ही रखनी होती है. तो यहाँ पे हमने क्या करा, 10 पे पॉइंट लगाया, 10 से हमने एक छोटी सी 50 तक के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और इतना ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया. ठीक है, सिर्फ इतना ही करा भी ड्रॉ हमने. उसके बाद 50 to 100 हमने देखा, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 50 से 100 है, ऐसे 40 लोग हैं. अब हम कोई अलग से लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे टिल 40 तक, और 40 से हम क्या करेंगे, जहाँ 100 तक आ रहा है वहाँ तक हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन करी और फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी. ये हो गया 50 to 100 वाला. ठीक है, फिर उसके बाद हम 100 to 50 के लिए, अब आप देखो कितने लोग हैं, 80 हैं. अब यही वाली लाइन जो है हम एक्सटेंड कर देंगे टिल 80, फिर हम यहाँ से ये ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे. ठीक है, फिर 50 के लिए अगर हमें ऊपर जाना होगा तो हम ऊपर. अब देखो चलो ये तो अभी इंक्रीजिंग में था,
अभी डिक्रीजिंग में है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इनकम 200 से 250 तक के बीच में है, तो वो सिर्फ 30 है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसा नहीं करेंगे कि इधर की रब कर दी हमने, 30 है ना, तो 200 से स्टार्ट है, तो पॉइंट हमने यहाँ लगाया 30 और सीधे हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और 250 तक का हमने बार चार्ट बना दिया। तो ये है ऐसे हिस्टोग्राम बनता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ये तो हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम में ही ये जो बीच का मिडिल पॉइंट होता है ना, कभी कभार वो लोग कह देते हैं कि मिड वैल्यूज निकालिए, ठीक है, या ये वो कह देते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालिए। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालने के लिए हमें मिड वैल्यूज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है, अगर क्लास इंटरवल वाला है, ठीक है, क्लास इंटरवल वाला है तो उसमें हम क्या करेंगे, मिड वैल्यूज जो सेंटर पॉइंट होगा ग्राफ का उसको हम पॉइंट आउट करेंगे और उसको हम एक्स एक्सिस से स्ट्रेट स्केल वाली लाइन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जो स्ट्रेट लाइन वाला होगा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। जब इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम हाथ से ज्वाइन कर देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा। ये देखो स्कोर्स फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, ये बना लिया एक हिस्टोग्राम, ठीक। और हिस्टोग्राम बनाने के बाद सबकी देखो मिड वैल्यू, ये सबका मिड पॉइंट जो होगा वो हमने पहले मार्क कर लिया गोल सेंटर, ठीक है, हाईलाइट करके। और ये जो बनाया है हमने, ये तो पॉलीगॉन है, हाँ ये पॉलीगॉन है, ठीक है। अब पॉलीगॉन और कर्व में डिफरेंस बस इतना ही होता है कि हम जब पॉलीगॉन बनाते हैं तो इनकी जो मिड वैल्यूज होती हैं दे विल बी जॉइन डॉटेडली या स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ, सीधी बननी है, कोई तिरछी वर्छी नहीं बननी है, स्केल के साथ जॉइन, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट जब जॉइन करोगे तो स्केल के साथ जॉइन करोगे, चाहे वो डॉटेड जॉइन कर लो या स्ट्रेट, मतलब एक सी स्ट्रेट लाइन। और यही चीज़ अगर मैं डिफरेंस बताऊँ कि फ्रीक्वेंसी कर्व का, तो फ्रीक्वेंसी कर्व का भी में डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन वही सेम दिया है। अब ये जब चीज़ हम हाथ से जोड़ते हैं ना तो वो फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। अब ये बुक में इन्होंने अच्छे से शो नहीं कराया यहाँ पे, जब वैन वी ज्वाइन विद आवर हैंड्स, मतलब स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं, दैट विल बी अ कर्व, ठीक है। और नेक्स्ट एक आता है आपका ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व जो होता है अगेन ये क्लास इंटरवल में ही यूज होता है और इसमें हम लेस देन हो जाए और मोर देन हो जाए यूज करते हैं। कैसे बनता है ये देखिए, क्लास इंटरवल है, इसकी जो लोएस्ट यूनिट है वो ले लेंगे और एक जो मोर देन वाली है हम वो ले लेंगे। अब कैसे लेंगे, अब ये देखिए क्लास लिमिट है यहाँ पे आपकी 0 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसे 10 का हमने सिंगल सिंगल क्लास लिमिट लिख ली, दैट इज 20, 30, 40, 50, ठीक है, और नीचे 60, 70, 80, 90, 100। अब लेस देन ओजाइव जो होता है, लेस देन ओजाइव मतलब 20 वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, 30 की 4 है, 40 की अब ये क्या कर रहे हैं, हम ऐड करते जा रहे हैं, तो इसलिए 20 से बिलो जो है आपका, या 20 से कम हम कहें तो 20 से कम यहाँ कुछ नहीं है तो इसलिए 0 है, 20 से ऊपर जो है वो 4 है, 30 से ऊपर जो है वो आपका, 30 से ऊपर देखो आप यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये और ये 10 हो गया, 40 से अबव 10 हो गया, 50 से अबव, ये एक तरह से हम क्यूमुलेटिव करते जा रहे हैं, ये ऐसे से ऐड कर रहे हैं, ये देखो, और 20 से बिलो कुछ भी नहीं है तो इसलिए हमने इसको 0 लिख रखा है। अब आप देखो लेस देन ओजाइव का जो टोटल होगा वो 110 आ गया, ठीक है। अब मोर देन ओजाइव कैसे निकलता है, उसको हम रिवर्स चलते हैं, ये देखिए नीचे रिवर्स हम चलते हैं, 100 से ऊपर कुछ नहीं है तो इसलिए 0, 100 टू 90 कितना है, 190 तो 3 हो गया, ठीक, 0 प्लस 3 3 हो गया, 90, 30, अब ये हम ये नीचे से ऐड ऑन करते जाएंगे, मोर देन में हम नीचे से ऐड करते जाते हैं 0 से स्टार्ट करके, और लेस देन में हम ऊपर से ऐड करते जाएंगे 0 से स्टार्ट करके, ठीक है। अब जब आप ये ड्रॉ करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, क्लास लिमिट नीचे लिखी है हमने, ये लिखी 0 to 10, 20 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, एक सा लिख दिया, ठीक। अब हमने बनाएंगे लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव बनाया, अब देखो 20 का स्टार्ट करते हैं तो 20 का 0 पे है, तो यहाँ हमने पहले 20 का 0 पे ये मार्क कर दिया, फिर 30 आया, 30 का आप देखो कितना था, 4 था, तो 30 का हमने यहाँ पे
अब ये बीच में आएगा, ये तो बहुत पतला बन गया क्योंकि यहाँ पे बहुत हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए 0 to 10 यहाँ पे 4 मार्क कर दिया। फिर अब आप देखोगे लेस देन और जाइव का जो कर्व होगा वो राइजिंग कर्व होगा, क्योंकि इसकी आप देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी एड ऑन होती जा रही थी तो वो बढ़ रही थी, तो उसका ये लेस देन और जाइव का कर्व है, और ये जो डिक्रीजिंग में है वो मोर देन और जाइव का कर्व है। अब ये जहाँ पे मीट करते हैं दोनों, जहाँ ये कट करते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट होता है वो ओजाइव कर्व होता है, और इसका स्ट्रेट लाइन हम जब ड्रॉ करते हैं तो इसका ही सोल्यूशन आ जाता है, दैट इज 60 and 70 का। तो ये थे आपके फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ्स बनाने का, एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स।